हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारे चैनल मास्टर ऑफ करंट अफेयर एंड जीके में आप सबका स्वागत है। और आज लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की चार बड़ी खबरें एक साथ। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी ऑन कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली खबर यह है कि आयोग की भर्तियों पर आज हो सकता है कोई निर्णय। तो इसमें देख लेते हैं जल्दी से कि खबर क्या है। लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं के संबंध में सोमवार को कुछ अहम निर्णय होने की संभावना है। इसकी दो वजह हैं। अव्वल तो यह कि पेपर लीक प्रकरण के बाद आयोग के सचिव जगदीश लखनऊ में मुख्य सचिव से मुलाकात कर लौटे हैं। दूसरा, यह परीक्षा नियंत्रक पद का प्रभार अब आयोग के ही संयुक्त सचिव ब्रजेंद्र कुमार द्विवेदी को मिल चुका है। परीक्षा नियंत्रक का प्रभार मिलने के बाद भर्ती परीक्षाओं को लेकर कुछ निर्णय होने की संभावना जताई जा रही है। भर्ती के संबंध में कोई भी निर्णय बगैर परीक्षा नियंत्रक के संभव नहीं है। यही वजह है कि संयुक्त सचिव को प्रभार सौंपा गया है। आयोग सूत्रों का कहना है कि अभी तक आयोग में कोई बैठक निर्धारित नहीं है। सचिव ने शुक्रवार को मुख्य सचिव से मुलाकात की थी और शनिवार और रविवार को छुट्टी थी। दो दिन की छुट्टी के बाद सोमवार को आयोग खुलेगा। पेपर लीक प्रकरण के बाद आयोग ने पिछले माह घोषित इस वर्ष की द्वितीय छमाही के परीक्षा कैलेंडर में शामिल सभी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया था। दोस्तों, दूसरी खबर है कि लोक सेवा आयोग के कर्मी जो है आंदोलन की तैयारी में है। इसमें कार्य बहिष्कार की घोषणा कर चुका लोक सेवा आयोग अधिकारी कर्मचारी संघ सोमवार को आंदोलन का खाका तैयार करेगा। आंदोलन को धार देने में जुटा संघ दूसरे विभागों के कर्मचारी संगठनों से संपर्क स्थापित कर रहा है। सारे कर्मचारी संगठनों को एकजुट करके आंदोलन को व्यापक बनाने की तैयारी चल रही है। कार बहिष्कार से पहले संघ के पदाधिकारी सोमवार को आयोग के चेयरमैन व सचिव से मुलाकात करके मांगों पर हुई कार्रवाई की जानकारी लेंगे। मनसा के अनुरूप कार्रवाई न होने पर मंगलवार से कार बहिष्कार शुरू कर देंगे। संघ एल्टी ग्रेड शिक्षक भर्ती घोटाले की जाँच हाईकोर्ट के जज से कराने व जांच सीबीआई को सौंपने तथा आयोग के प्रत्येक कर्मचारी की संपत्ति की जांच कराने की मांग कर रहा है। चेयरमैन ने उनकी मांगों पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ऐसा ना हुआ तो कार बहिष्कार शुरू हो जाएगा। अगर कार बहिष्कार हुआ तो आयोग में 11 जून से प्रस्तावित एल्टी ग्रेड शिक्षक भर्ती के 7 विषयों में चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन पीसीएस जे मेन्स 2018, पीसीएस मेन्स 2017, आरओ एआरओ मेन्स की कापियों का मूल्यांकन रुक जाएगा। साथ ही 10 जून से प्रस्तेंगे। तो ये रही दूसरी खबर। और तीसरी खबर दोस्तों, तीसरी खबर यह है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़क पर उतरे प्रतियोगी छात्र। तो आप यहां देख सकते हैं कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के विरोध में रविवार को सैकड़ों प्रतियोगी छात्र सड़क पर उतरे। युवा मंच, बीएड उत्थान जनमोर्चा, युवा अधिकार मंच, अधिकारी मंच, प्रतियोगी मोर्चा, आयशा जैसे संगठनों से जुड़े छात्रों ने कैंडल मार्च निकालकर आयोग की कार्यप्रणाली का कड़ा विरोध किया। छात्रों ने आयोग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई न होने पर प्रदेश सरकार को निशाने पर लिया। सरकार पर भ्रष्ट अधिकारियों को साथ देने का आरोप लगाते हुए अतिशीघ्र कार्रवाई की मांग की। ऐसा न होने पर प्रदेशव्यापी आंदोलन छेड़ने की चेतावनी दी। बैंक रोड से रविवार शाम शुरू हुआ कैंडल मार्च बालसन चौराहे पर आकर सभा में तब्दील हो गया। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि योगी सरकार आयोग के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल रही है। यही वजह है कि अभी तक सचिव के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। भ्रष्टाचार की जाँच किए बिना कार्यवाहक परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति और चयन प्रक्रिया शुरू करना अनुचित है। कहा कि आयोग के भ्रष्टाचार पर 11 जून को प्रदेशव्यापी आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी। और दोस्तों, ये रहा चौथा खबर जो है, कर्मियों का टोटक कैसे आए रिजल्ट। लोक सेवा आयोग में खाली हैं समीक्षा व सहायक समीक्षा अधिकारी के कई पद। बड़े अधिकारियों के पद जब खाली हैं तो बाकी का काम कैसे आगे बढ़ेगा, इसलिए जो है इसकी भी ज़रूरत है कि जल्द से जल्द पूरा किया जाए। तो यहाँ पर देख लेते हैं अधिकारियों के प्रमुख काम। समीक्षा व सहायक समीक्षा अधिकारियों पर भर्ती विज्ञापन निकालने, परीक्षा कराने, मूल्यांकन व स्क्रूटनी कराने, साक्षात्कार कराने, पदोन्नति का प्रस्ताव बनाने, शासन के प्रत्येक विभाग के द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों के खिलाफ होने वाली अनुशासनात्मक कार्रवाई की रिपोर्ट बनाने, हर विभाग की नियमावली बनाने के साथ विभिन्न विभाग के कोर्ट में होने वाली रिट का निष्पादन आदि की जिम्मेदारी होती है। तो समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी जो आयोग में होते हैं उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियाँ होती हैं। उनकी जगह खाली है, इसलिए जो है सब जो है रिजल्ट भी लटके हुए हैं और आगे के एग्ज़ाम भी जो है स्थगित हैं अभी तक। तो यह परिणाम है लंबित, आप देख सकते हैं इसमें। तो दोस्तों, ये रही चार बड़ी खबरें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।